गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक साथ बहुत सारी फ़ोटो को कैसे एक साथ रिसाइज कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन में एक साथ काम कर सकते हैं, उसी सारी फ़ोटो में आप एक साथ में कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ जिसके द्वारा आप एक साथ में कई सारी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं एक साथ, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए तो चलता हूँ। सॉफ्टवेयर है फास्ट स्टोन फोटो रिसाइजर, ये है। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मैंने बताया आपको कि बहुत सारी फ़ोटो को एक साथ एडिट कर सकते हैं, लाइक जिसको साइज एक साथ दे सकते हैं सारी फ़ोटो का, और सारी फ़ोटो में टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों अगर मुझे किसी फ़ोटो का टेक्स्ट एडिट करना है या फिर बहुत सारी फ़ोटो को रिसाइज करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे इस फोल्डर ब्राउज पे, ये ब्राउज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि आप जिस फोल्डर की फ़ोटो आप चेंज करना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं सर। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो दोस्तों इस पे मैं डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना रखा है जिसकी मैंने मुझे फ़ोटो लेनी है, जिसको मुझे क्रॉप एडिट करना है फ़ोटो का। तो ये डेस्कटॉप पे रहा है जे आर डी टेक, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये मेरी सारी फ़ोटोज आ गई हैं इधर। फ्रेंड्स जब फोटो ओपन हो जाएंगी तो फ्रेंड्स इधर इस ये दो लिस्ट आएंगी, एक एक कॉलम में फ्रेंड्स ये सारी फ़ोटो हो जाएंगी जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए जो जो फ़ोटो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आल सेलेक्ट कर लिए हैं, आपको जो ज़रूरत है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐड का ऑप्शन कर सकते हैं, अलग अलग फ़ोटो ऐड हो जाएंगी, और ऐड आल का अगर सारी करना चाहते हैं तो ऐड आल पर क्लिक करके सारी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड आर्ट कर लेता हूँ, तो ये इस वाली फ़ोटो ये सारी उठ के इधर आ जाएंगी फ्रेंड्स। उसके बाद में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जो जो क्या क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ्रेंड्स साइज पर क्लिक कर देंगे। साइज पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस पर साइज दे देंगे, जो भी साइज आपको देना चाहते हैं, आप पिक्सल्स में कितना पिक्सल देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जैसी रिक्वायर्ड है आपकी, परसेंटेज अकॉर्डिंग कर सकते हैं, साइज की अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बेस ऑन साइज की अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे। ऐसे फ्रेंड्स रोटेट को क्लिक करेंगे, रोटेट को करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसी रिक्वायर्ड है जो जो फोटो आप रोटेट करना चाहते हैं वो आप रोटेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। उस ऐसे ही फ्रेंड्स क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप को करेंगे, ऐसे ही कन्वर्ट करने के बाद इन पिक्सल की अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इन प्रिंट साइज की अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इन स्टेप रेशियो की अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कैनवास को भी ओपन कर सकते हैं, कैनवास में जो भी जैसी रिक्वायर्ड है आपको पिक्सल की अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन परसेंटेज की अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये एक्सपेंड मूड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं करना चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही कलर डेप्थ में जाएंगे, कलर डेप्थ में को चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे आप। एडजस्टमेंट में करना चाहें तो कर सकते हैं, ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, गम्मा हो गया, और फ्रेंड्स ये हो गया शार्पनेस हो गया, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और DPI को भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं करना चाहें तो हटा सकते हैं। टेक्स्ट में एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे आके जो भी टैग देंगे, यहाँ से जैसे मैंने GRD टैग दे दिया है, जो भी टैग्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रेंड इस टैग्स को जहाँ पे आप फ़ोटो में देना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बॉटम राइट में दे रखा है, आप लेफ्ट टॉप लेफ्ट में दे सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा आप टॉप सेंटर में भी दे सकते हैं, तीसरा आप टॉप राइट में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं इस एक साथ सारी फ़ोटो में। सेंटर में देना चाहें तो सेंटर में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, सेंटर के बाद अगर आप बॉटम लेफ्ट में देना चाहते हैं बॉटम लेफ्ट में दे सकते हैं, उसके बाद अगर बॉटम सेंटर में देना चाहते हैं बॉटम सेंटर में, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बॉटम राइट में दे रखा है। ऐसे फ्रेंड्स इसको बैकग्राउंड के साथ में टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ गया, नहीं करना चाहते तो इसको हटा सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको शैडो कर सकते हैं। ये देखिए शैडो में क्या डिफरेंट आता है, इसकी परछाई जो है वो अगर टिक हटा देंगे तो चली जाती है, टिक लगा देंगे तो बनी रहती है फ्रेंड्स। और ऐसे ही यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं आप, जो भी फॉन्ट आप देना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं,
और ये सर फ्रेंड्स इसको साइज भी दे सकते हैं और जैसा चाहें फ्रेंड्स वैसा कर सकते हैं आप। यहाँ से अंडरलाइन हो गया है, स्ट्राइक आउट हो गया है फ्रेंड्स, और ओके कर देंगे तो ये फ्रेंड्स हो गया, और नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो ये स्टॉक में हटा भी देंगे। ये फ्रेंड्स सॉरी ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स वाटरमार्क भी लगा सकते हैं इसमें, वाटरमार्क जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बॉर्डर लगाना चाहे बॉर्डर लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है सर। फ्रेंड्स जैसा भी करना चाहें, जैसे बॉर्डर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ओके क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। कन्वर्ट में फ्रेंड्स आपकी फाइल्स ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी। ये फ्रेंड्स देखिए ओके, ये मेरी फाइल कन्वर्ट होने लगी फ्रेंड्स। एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे फ़ोटो से एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग और वो सारे टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो जिसने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लेने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मेरी फाइल्स सारी फाइल्स कन्वर्ट हो रही हैं, 50%, 60%, 70% हो गया है, और ये फ्रेंड्स सारी फाइल्स कन्वर्ट हो गई हैं। मैं डन पे क्लिक करूँगा, डन पे क्लिक करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दूँगा यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स ये मेरा फोल्डर रहा है JRD टेक, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये मेरी फ़ोटो आ रही है, ये मेरी पुरानी फ़ोटो पड़ी हुई है जिसको मैंने एडिट किया हुआ है, और ये एडिट होने के बाद फाइल्स पड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए आ गई मेरी एडिट होने के बाद फ्रेंड्स। ये देखिए JRD टेक इसमें लिख के बहुत छोटा सा आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ोटो साइट बहुत छोटी हो गई है फ्रेंड्स, और अगर एडिट करना चाहता हूँ इसको, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जैसी फ़ोटो है उस हिसाब से फ्रेंड लिख के आ रहा है। नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिएगा, ये देखिए एक साथ में, और ये बॉर्डर भी लग के आ रहा है फ्रेंड्स, एक साथ में सभी पे बॉर्डर भी लग गया फ्रेंड्स मेरा। और ऐसे ही फ्रेंड जाते रहते, ये देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसमें छोटा सा लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से कितने भी फ़ोटो पे कितने भी जैसे बॉर्डर है कुछ भी एडिट कर सकते हैं, एक साथ सभी में कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।